नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय 60,000 पद पूरे प्रदेश में जो है परीक्षा होने वाली है, जो कि पूरे प्रदेश में 1161 परीक्षा केंद्र, 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। तो ये खबर आप लोगों को जागरण, दैनिक जागरण समाचार में जो प्रयागराज से आई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कलेक्ट्रेट के स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर। यहाँ पे दिया गया है, विधिवत जानकारी के लिए हम लोग देख लेते हैं कि बताया गया है कि अगले माह होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर रखने का इंतजाम कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार के प्रथम तल पर स्ट्रांग रूम में किया गया है। यहाँ डबल लॉक में पेपर रखे जाएंगे और पेपर की एक दो नहीं बल्कि 5 स्तरीय सुरक्षा होगी। यानी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी सुरक्षा 5 स्तर पे होने वाली है। इसके बाद बताया गया है कि डिजिटल लॉक को खोलने के लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के मोबाइल पर पासवर्ड आएगा, जिससे पेपर के बक्से का लॉक खुल सकेगा। यह परीक्षा इसी वर्ष 17 एवं 18 फरवरी को हुई थी। पेपर आउट होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी और यह परीक्षा 23, 24, 25 एवं 30-31 अगस्त को प्रस्तावित हुई है। परीक्षा में जिले के लगभग 23,000 अभ्यर्थी एक पाली में शामिल होंगे। एसडीएम सिटी मदन कुमार ने बताया कि संगम सभागार के प्रथम तल पर पेपर रखे जाने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा, जिसमें कुल 10 सेट पेपर रखे जाएंगे। पेपर आने से लेकर केंद्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है और स्ट्रांग रूम के आसपास 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी अलग अलग स्क्रीन कंट्रोल रूम तक रहेगी। एसडीएम व डीएसपी रैंक के प्रशासन व पुलिस के अफसर इसकी सुरक्षा के नोडल अधिकारी होंगे। उनके साथ मजिस्ट्रेट और एसपी, इंस्पेक्टर व पुलिस कांस्टेबल भी तैनात रहेंगे। परीक्षा के लिए जिले में कुल 56 केंद्र बनाने का प्रस्ताव हुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर के भी कई विभाग हैं। MNNIT को भी सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। सोमवार को DIOS PN सिंह ने बताया कि 3 ADIOS ने करीब 40 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वहां पर पूर्व में निर्धारित छात्र संख्या व बैठने की व्यवस्था को भी देखा। अन्य केंद्रों का निरीक्षण अगले दिन किया जाएगा और सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV के साथ आईरिस कैप्चरिंग मशीन व फेस रिकग्नाइजेशन मशीन भी लगाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर तलाशी के लिए पुरुष के साथ महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेंगी। परीक्षा में किसी भी प्रकार की डिवाइस, थर्मस, टब्स, स्मार्ट वॉच, मोबाइल आदि प्रतिबंधित रहेगा। तो आप लोगों की जो परीक्षा 23, 24, 25 एवं 30-31 अगस्त को होने वाली है, उसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियाँ धीरे धीरे कर ली है। तो आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।